सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है थर्सडे एंड अभी मैं छत पे हूँ। जैसा कि पीछे से तो आपको पता चल ही गया होगा कि अभी कितना ठंड इधर है, मतलब कुछ तो उधर का दिख ही नहीं रहा है। तो अभी 8:30 बज गए हैं एंड छत पे आए। सॉरी, 2 दिन से ब्लॉग फिर नहीं आया चैनल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा था, इसलिए शूट नहीं करने का मन किया। तो आज फिर से शूट कर रहा हूँ। एंड हाँ, मैं जान रहा हूँ कि आप ये थंबनेल देख के यहाँ पे आए हो कि मेरी अर्निंग कितनी होती है, तो मैं बताता हूँ। बस थोड़ा सा पहले बात कर लेते, क्योंकि 2 दिन से बात भी नहीं किया आप लोगों से। तो पटना में तो फिर से आज 6 जनवरी से लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू लगा दिया। एंड जो भी जिम है, मॉल है, मंदिर है, ये सारा चीज़ बंद हो गया फिर से। एंड स्कूल जो भी है वो बच्चों के लिए बंद है, और जो 8 क्लास से ऊपर पढ़ते हैं उनके लिए भी ओपन है, कॉलेज भी ओपन है, ऑफिशियल काम जो भी है वो सारा होगा। एंड दुकान जो हम लोग का ऑफिस ही सब है, ये सब 8:00 तक ही चलेगा, उसके बाद से बंद हो जाएगा। जो भी दुकान वगैरह है वो बंद। एंड 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो जो भी पटना के लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी प्रोटोकॉल है उसका फॉलो करें उसको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हाँ, अब हम बात करते हैं कि मेरी अर्निंग क्या होती है। आप लोग सोचोगे कि यार अभी तो न्यू चैनल है, कैसे अर्निंग होगा। तो मैं भी वही चीज़ क्लियर करूँगा कि मेरी अर्निंग कैसे होती है। गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा अभी ये चैनल न्यू है, और इस चैनल पे भी तो मेरे ज़्यादा व्यूज भी नहीं आते, बस 10-12 व्यूज आते हैं, एंड सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा नहीं है। तो अभी तो YouTube से जो मेरा अर्निंग है वो तो अभी 0 है, अभी 1 भी रुपया YouTube से नहीं होता। तो अब जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं जॉब करता हूँ, एक प्राइवेट जॉब करता हूँ टेनेट डायग्नोस्टिक में, जो कि MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम रहता है। डॉक्टर्स जाके मिलना, विजिट करना, उनसे सैंपल के लिए बात करना, मतलब ये सारा चीज़ रहता है उसमें। तो हाँ, तो मेरा जो सैलरी पैकेज है वो ईयरली है 2.58 लाख का, मतलब 2,58,000 का मेरा जो है सालाना पैकेज है। एंड एवरेज आप निकाल लेना उससे, मतलब तो वो एल्गोरिदम नहीं है कि यूट्यूब पे आप अपना सैलरी या फिर आप कितना अर्निंग करते हो ये सब बताने का, इसलिए मैंने आपको एक एवरेज बता दिया कि इतना पैकेज है। आप उससे मेरा जो ईयरली है वो आप निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा जो इन हैंड सैलरी है, बेसिक सैलरी है, वो क्या होगा। सो यही चीज़ डिस्कस करना था, यही चीज़ बताना था, तो ये इस ब्लॉग में क्लियर कर दिया। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यार थंबनेल में डाल दिए कि मैं यूट्यूब से इतना कमाता हूँ, और वीडियो में बता दिए कि ल ये क्या, मतलब मैं पैसे तो ऐसे आते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो थंबनेल में बताया वो आपको वीडियो में भी क्लियर कर दिया। मेरा यूट्यूब से भी 1 भी रुपया अर्निंग नहीं होता है, मैं जो कमाता हूँ, अपना जो जॉब करता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, उससे कमाता हूँ। सो बस यही चीज़ क्लियर कर दिया। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।